राज्य संग्रहालय शिमला द्वारा आज से शिमला के रिज मैदान पर स्थित पद्म देव कॉम्प्लेक्स में कला और शिल्प मेला आयोजित किया गया है। 5 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन भाषा और संस्कृत विभाग के निदेशक पंकज ललित ने किया। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर पंकज ललित ने कहा कि मेले का उद्देश्य हिमाचल की हस्तशिल्प कला को संजोने के साथ ही कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। हस्तशिल्प मेले में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हस्तशिल्प कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं। उद्घाटन अवसर पर पंकज ललित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प कला में विविधता है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिमाचल की इन कलाओं के लिए जागरूक करना है, जिससे कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय इस मेले में कारीगरों के उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि उन कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके और उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिल सके। देखिए, ये जो यहाँ शिल्प मेला लगाया गया है, ये हमारा जो राज्य संग्रहालय है, स्टेट म्यूजियम, उसके माध्यम से लगाया गया है और ये 5 दिवसीय मेला है। आज शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगा और इस मेले में हमारा प्रयास यही है कि जैसा हम सब जानते हैं कि हिमाचल की बड़ी समृद्ध विरासत है अपने शिल्पों की, चाहे वो चंबा रुमाल हो, चाहे वो कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चाहे हमारे किन्नौरी शॉल हैं, कुल्लू शॉल हैं, इस तरह से मेटल क्राफ्ट है, बहुत विविधता है हमारे अपने क्राफ्ट्स में। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम इन क्राफ्ट्स को, लोगों को इनके बारे में जानकारी मिले, जागरूकता हो, एक प्रयास तो ये रहता है। और दूसरा, ये आज का जो मशीनी युग है, इस युग में हाथ से जो जुड़े हुए शिल्प हैं उनको हम बचा के रखें, लोग उनके साथ जुड़ें, हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो भी ये हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिलते रहें, ये हमारा प्रयास है इस मेले के माध्यम से। और जैसा आप देख रहे हैं कि हिमाचल के लगभग सभी जगहों से शिल्पकार यहाँ आए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे न केवल शिमला के लोगों का, बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं वो भी इस मेले में आएंगे, बड़ी संख्या में रुचि लेंगे, जो प्रोडक्ट्स यहाँ रखे गए हैं उनको देखने में, उनको खरीदने में। इनको असली तो शिल्पकार की मदद तभी होती है जब उसका जो भी उत्पाद है, जो भी उसकी कला जो उसने दिखाई है, उसके लिए खरीदार मिले। तो हमारी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन भी सबसे यही रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आएँ और इन शिल्पों का आनंद भी लें और इनको खरीदें।